কত দূর যেতে হবে জানো? स्वागत है आपका मेरे चैनल में अनुपमास पर्सन एंड ब्लॉग में। आज हम आए हैं फिर से घूमने और आज आप मेरे वीडियो में देख पाएंगे बहुत सारे नए नए स्पॉट जो मुझे अभी तक खुद ही नहीं पता कि कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। फिलहाल मैं हूँ गैरबा स्कूल रोड में। ये जो है ना, ये देखिए, ये है गैरबा स्कूल रोड एंड भाई मुझे लोकेशन में ही मिला कि ये वो जगह है। बहुत अच्छा सा प्यारा सा जगह है, दिखाते हैं आपको पूरा ऐसे फ्रेंड। अरे गाड़ी उतरते छे ना। दूर से देखिए सनलाइट। गैरबा किस पर? GAIR पर। देखो ना किस पर। अच्छा मुझे अभी आपको दूर से दिखाते हैं वो सीन कैसा लगता है। ये देखिए एक जो क्लाउड्स का सीन्स का दिखाई दे रहा है ना इस स्पॉट। देखिए कभी कभी हम लोग निकल पड़ते हैं, पता नहीं चलता कहाँ जाएंगे रास्ते में। बस हर वक्त ही ज़्यादातर होता है कि रास्ते में डिसीजन होता है कि हाँ यहाँ पे जाना है। ऐसे ऐसे आगे हम लोग ये जगह में, पहले तो डिसाइड नहीं था कि कहाँ पे जाना है, फिर आ गए यहाँ पे और यहाँ से पहाड़ का जो व्यू आ रहा है बहुत मज़ेदार व्यू आ रहा है। मैं अकेले अकेले बातें करते करते बहुत दूर तक चली आई, फिर बैक करते हैं तो बहुत कुछ दिखाएंगे। चलिए बाद में जो जो होगा नए नए जगह में जाएंगे वो सब दिखाएंगे। अरे बहुत मज़े से हो रहे हैं, अरे मज़ा आ रहा है, तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए अभी बारिश स्टार्ट हो गया और देखना जय अच्छा ना बहुत बारिश हो रहा है। अंदर से आपको रास्ते का ऐसे पेड़ी दिखाते हैं, क्या दिखाएंगे। अभी तो बारिश हो रहा है, अभी कहाँ पे जाए पता भी नहीं है। अभी बहुत दूर चले आए सिलीगुड़ी से, 2 से 2.5 घंटा हम लोग गाड़ी में ही थे, अभी आ गए यहाँ पे। वो आपको दिखाया था वहाँ पे। तो इस बार एक बहुत नया एक्सपीरियंस है, घूमने आए पूरा बारिश। अभी मैं सबको ढूंढने निकली हूँ कि आखिर सब लोग गए कहाँ। एक्चुअली हम लोग का गाड़ी था पीछे तो हम लोग पीछे रह गए और दूसरे गाड़ी में जो लड़के लोग थे वो लोग थे आगे। तो अभी इसलिए ढूंढ के निकालते हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। क्या प्रोग्राम होगा किसी को कुछ पता नहीं। आपको यहाँ पे पूरा बारिश ऐसे दिखाती है। चलो ये जगह क्या है मुझे नहीं पता, आप बारिश देखिए बस बाद में बोलेंगे आपको। देखिए अभी आए थे घूमने, बहुत जगह घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक्चुअली आज है नवमी जब मैं वीडियो कर रही हूँ, बहुत कुछ हो नहीं है, लेकिन सोचा था बहुत जगह घूमेंगे लेकिन अभी घूमने का तो कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे बारिश ही दिखाती है आपको। अरे जगह, ये जगह का नाम है छिंचोना डालगांव। এখন তোমরা কি করবা, তোমাদের প্ল্যানিং কি? ও কালকে ভিজে দিবে তো।
जाएंगे सबाई छाता नहीं आसले भालो लगतो छाता ये नया एक्सपीरियंस ने और भाड़ देवी भलकड़ो उठो हाय राम गिर मत जाना चलो ठाकुमा के जैसे इसको ले लिया भार्गवी को भार्गवी छत के अच्छे से पकड़ो भार्गवी भालो करे उई नो चलो हेलो बोले तो सबाई के हाल यस कोथा है माने ये मम्मी को है मम्मी को अरे खोलो खोलो अभी हम लोग चले व्यू देखने और उसे कहा जाता है व्यू पॉइंट डालगांव व्यू पॉइंट। तो अभी हम सब लोग मिलके जा रहे हैं, हम लोग अभी 6 जने ही जा रहे हैं वहाँ पे। अरे इधर क्या सुधी जोल गुटा अच्छा किंतु की देखा जावे बोलो तो भूटान वो लोग हैं गाड़ी के अंदर क्योंकि छतरी हमारे पास है सिर्फ 3 ये 3 छतरी से अभी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं अभी हम फिर से क्योंकि बारिश मुझे नहीं लगता कि कमने वाला है। देखिए ना बारिश की हालत देखिए माय गॉड दिस इज़ अ रियली वेरी वेरी न्यू एक्सपीरियंस आ रही है। देखिए कितना पत्थर पत्थर रास्ता इतना बारिश हो रहा है दिखाई नहीं दे रही है लोग कहाँ चले गए। जलगांव व्यू पॉइंट में अभी व्यू पॉइंट कहाँ है ढूंढ रहे हैं हिंदी भूटान पुटान सब देखा जाए उन्हें पूरे उठले देखा जाए भालो करे यहाँ से व्यू दिखाई देगा भूटान का व्यू। तो बारिश में भीगते भीगते आधा आधा उड़ा दीजिए उड़ा कोई गलो कौन ना आछे उदिगे उदिगे आछे पापा नहीं दिखे पूजा मोर मोबाइल टाके भेजाओ ना होबे ताते की है ता पर तो भेज दे आ रिटर्न जाबो ए जोले जो अरे मिस्टर चलो दूर आसो अभी तो बारिश बहुत बढ़ गया वो देखिए उन लोगों को व्यू देख रहे हैं व्यू आई अरे देखिए सब लोग हम लोग अपने बच्चे यहाँ पे हैं और यहाँ से इतना दूर आए चलते 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 रहे अच्छा तुम बोल रहे कि देखा जाए कि देखा जाए बोलो तो व्यू पॉइंट कर रही थी आने के बाद ये नज़ारा दिखाई दिया क्योंकि बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया लेकिन अच्छा लगा भीगते भीगते यहाँ पे आई वो भी एक बहुत ही अच्छा नया एक्सपीरियंस हुआ अच्छा लगा। तो अभी हम सब लोगों को अभी करना है पैक रिटर्न करने के वक्त थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि रास्ते में पूरा पानी है पत्थरिया रास्ता देखिए कितना सारा पानी और ऐसे करके हम लोगों को क्रॉस करके जाना था एक वर्ड है शांतोना पुरस्कार तो ये एक प्राइज़ है ये उन्हें दिया जाता है किसी को मन रखने के लिए ये दिया जाता है। तो अभी हम सब लोगों को यहाँ पे उतारा गया ताकि हम लोग का मन भी थोड़ा सा शांत हो पाए क्योंकि इतनी दूर घूमने गए कुछ अच्छी तरह से घूमना नहीं हुआ तो यहाँ पे उतर के अच्छी तरह से फ़ोटो क्लिक किया जा रहा है। जो लोग गाड़ी से उतरे ही नहीं उनके लिए उनके दिल को थोड़ा सा ठंडक पहुँचाने के लिए लेकिन नज़ारा बहुत ही प्यारा सा था देखिए अच्छा लग रहा है ना देखने
नवमी का दिन था उस दिन, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा पूजा मंडप में जाते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं, फिर वहाँ पे घूम के सीधा हम लोग जाएंगे घर। तो आज का व्लॉग यहाँ तक, अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।